नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक होम टिप्स में। दोस्तों, पिज्जा तो आप सबको खूब पसंद आता है, पर आजकल आप बाजार में जा नहीं सकते तो अपना पसंदीदा पिज्जा खा नहीं सकते। पर आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही आसान पिज्जा रेसिपी, जिसे अगर आप घर पे बनाएंगे तो आप कह उठेंगे कि पिज्जा हो तो ऐसा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये आसान पिज्जा। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हमें पिज्जा का डो तैयार करना पड़ेगा। हमें इसके लिए सामान क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम लेंगे रिफाइंड फ्लोर, यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया है। यहाँ मिल्क लेंगे, जो मैंने एक कप लिया है ये गुनगुना मिल्क है, लीकवॉर्म है। एक्टिव ईस्ट एक टेबलस्पून, रिफाइंड ऑयल दो टेबलस्पून, आप यहाँ पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर हो। शुगर पाउडर 1 टेबलस्पून और सॉल्ट लिया है मैंने 1/4 टेबलस्पून। तो चलिए अब पिज़्ज़ा का डो तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया है, यहाँ पर आप बड़ी थाली या परात का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने जो मैदा लिया है एक कप, वो मैं डाल दूँगी। अब इसमें एक्टिव ईस्ट जो हमने लिया है वो इसमें डाल देंगे, इसमें शुगर डाल देंगे और साथ में ही जो सॉल्ट है वो भी डाल देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालूँगी। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि मिल्क ल्यूकवॉर्म होना चाहिए। तो अब हम इसे मिलाएंगे। तो पहले सेंटर से मिलाते हुए, क्योंकि हमने यहाँ पर ईस्ट डाला है, अब मैं इसे सब मिलाऊंगी। मिल्क ऐड करूँगी थोड़ा सा और, तो ये इस तरह से मसलते हुए हमें गूंथते जाना है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिल्क ऐड करते जाएंगे। थर्ड टाइम इसमें मिल्क ऐड कर देती हूँ। और अब मैं 4th टाइम भी मिल्क ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1/2 कप मिल्क इसमें ऐड किया है और ये अब काफ़ी स्टिकी हो गया है, देखिए। तो अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं 1/2 ऑयल यूज़ करूँगी और मैंने इतना ऑयल अभी बचा दिया है। तो अब फिर से इसे नीट करेंगे और लगभग 10 मिनट तक हमें इसे इसी तरह से गूंदना है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 7-8 मिनट इसे नीट कर लिया है, देखिए। अब ये आपस में अच्छे से बाइंड हो गया है और हाथों से भी निकलने लग गया है। तो अब मैं इसको लगभग 2 मिनट तक और ऐसे ही करूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा डो इस तरह से हो गया है। तो अब जो मैंने ऑयल बचा दिया था वो मैं थोड़ा सा इसमें और डालूँगी। अभी भी मैंने जितना बचा था उसका आधा मैंने और बचा लिया है। गूंथते मेरा आटा काफ़ी आपस में बाइंड हो गया है और मैंने अभी तक हाथों को धोया नहीं है, तो आप देखिए इसने सारा ही हाथ अच्छे से छोड़ दिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से घुमाना है। ऊपर वाला सेक्शन हमें नीचे की ओर ले जाना है इस तरह से, आप देखें पीछे कैसा आ रहा है। तो इस तरह से घुमाते हुए हमें इसे राउंड शेप देनी है। और यहाँ पर जो हमारा बाउल था जिसमें हमने इसको गूंदा है, जो बचा हुआ ऑयल था वो मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी और इसे फैला देंगे इस तरह से। अब मैं इसको सेंटर में रख दूंगी और जो मेरा ऑयल बचा हुआ है वो मैं इसको ऊपर से डाल दूंगी। अब हमें इसे कवर करके रखना है लगभग 1 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसको फॉइल से भी कवर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कॉटन के कपड़े से इसे ढक के रख दूंगी अपने किचन में ही, जहाँ पर थोड़ा सा गर्म एरिया है, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। यहाँ पर देखिए मेरा डो काफ़ी फूल गया है। अब हमें इसे लगभग 30 सेकेंड्स के लिए दोबारा से नीट करेंगे। देखिए यहाँ पर डो में काफ़ी जालियाँ बनने लगी हैं, दैट मीन्स ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है, ये देखिए। तो अब मैं इसको रोल कर लूँगी बेलन की मदद से। और यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा कढ़ाई में बना रही हूँ और मैं इस प्लेट में इसको सेट करूँगी स्टील की प्लेट में। तो ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ पर प्लेट में अच्छे से
ऑयल लगा लेना है और इसको बहुत अच्छे से ग्रीस कर लेना है, क्योंकि जब भी हम कढ़ाई में बनाते हैं तो ये प्लेट पे चिपक सकता है। अब मैं इसको हाथों से या तो आप रोलिंग पिन से भी इसे राउंड कर सकते हैं। तो प्लेट की साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको रोल कर लिया है, अब मैं इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी इस तरह से उठाते हुए। यहाँ मैं प्लेट में इसको थोड़ा सा फैला दूंगी। किनारे हमें थोड़ा सा ऊंचे उठाने हैं ताकि हमारा जब पिज़्ज़ा बेक हो तो चीज़ बाहर ना निकल के गिरे। तो यहाँ पर मैंने इसे किनारों को थोड़ा सा ऐसे इस तरह से उठा दिया है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं एक फोक की मदद से इसमें इस तरह से छेद कर लूँगी, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो पिज़्ज़ा जब हमारा बेक होगा तो ये बेस फूल जाएगा रोटी की तरह, जो कि हमें नहीं करना है। तो इस तरह से फोक से हमने यहाँ पर छेद कर लिए। अब मैं इसको लगभग 10 मिनट के लिए कपड़े से ढक के रख दूँगी रेस्ट करने के लिए, ताकि ये थोड़ा सा और फूल जाए। तो वहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा बेस को दोबारा से फॉर्मेंट होने के लिए रख दिया है। इसी दौरान मैंने ये बीच में तैयारी कर ली। यहाँ पर आप अपने पसंद की जितनी भी चाहे वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने टमाटो को बारीक काटा है इस तरह से लंबे स्लाइस में। यहाँ मैंने इसका पल्प वाला सेक्शन हटा दिया है, बस मैंने ये आउटर शेल को ही लिया है। कैप्सिकम को भी मैंने इस तरह से काट लिया। आप चाहें तो बेल पेपर येलो भी यूज़ कर सकते हैं या रेड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने बेबी कॉर्न को इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है और अनियन को भी मैंने इस तरह से काट लिया है। यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ करूँगी, जो मुझे पैक फॉर्म में इस तरह से डाइस में मिले थे। पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा सॉस का यूज़ करूँगी। ये मैंने घर पे ही बनाया है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल रेडी है, तो अब मैं पिज़्ज़ा सॉस, होममेड पिज़्ज़ा सॉस इसमें स्प्रेड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं एक बड़ा चम्मच मैंने पिज़्ज़ा सॉस का लिया है, अब मैं इसको इस तरह से इसमें स्प्रेड कर दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ डालूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने चीज़ की एक लेयर लगा दी है। अब बारी है वेजिटेबल्स की, तो मैं एक एक करके यहाँ पर वेजिटेबल्स लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने इसमें वेजिटेबल्स अरेंज कर दी है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो अब मैं इसमें और चीज़ डालती हूँ। चीज़ डालना पूरा आप पे डिपेंड करता है, आप कितना चीज़ लेना चाहते हैं। यहाँ पर चिली फ्लेक्स इस पर ऐसे स्प्रिंकल कर देती हूँ और इसके साथ ही मैं इसमें ऑरिगेनो भी डाल दूँगी, इससे पिज़्ज़ा में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हमारा पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल तैयार है, हमने इसको अच्छे से ऊपर से इसमें ड्रेसिंग कर दी है। तो अब हमें इसे कुक करना है। जब तक मैं पिज़्ज़ा की तैयारी कर रही थी, उसकी ड्रेसिंग कर रही थी, मैंने यहाँ पर कढ़ाई में सॉल्ट डाल दिया। ये सॉल्ट वही है जो मैं हर बार यूज़ करती हूँ और हर बार यूज़ होने के बाद मैं स्टोर कर देती हूँ। तो ये लगभग एक कप सॉल्ट है। मैंने इसे कढ़ाई में डाल के कढ़ाई को लो फ्लेम में ऑन कर दिया और 10 मिनट के लिए मैंने इसे प्री हीट होने के लिए रख दिया। यहाँ मैं एक बाउल का यूज़ कर रही हूँ, जो मैं हर बार एज ए स्टैंड यूज़ करती हूँ। तो अब इसके ऊपर मैं ये प्लेट रख दूँगी जिसमें मैंने पिज़्ज़ा को अरेंज किया है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से मैंने इसको रख दिया है। अब मैं इसे लेट से कवर कर दूंगी और हम इसे लगभग 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही पकने देंगे। तो अब टाइम हो गया है, मैं इसे चेक कर लेती हूँ। देखिए, अरे वाह, कितना सुंदर हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है। अब मैं इसे सर्विंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, जहाँ मैं पिज़्ज़ा को सर्व करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा फूला है, इसका क्रस्ट कितना अच्छा आया है यहाँ पर। तो अब मैं इसे कट करके देखती हूँ। तो यहाँ पर मैं नाइफ का ही यूज़ कर रही हूँ। देखिए, तो इसका अगर मैं आपको बेस दिखाऊँ तो देखिए कितना अच्छा इसका बेस बना है और हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। तो ये गर्मा गर्म पिज़्ज़ा आप इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ज़रूर कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। टेक होम टिप्स देखते रहिए
टेक होम टिप्स देखने के लिए आपका धन्यवाद और मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तो थी ना ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी, अब आप झटपट से अपने किचन में जाइए और जल्दी से बनाइए ये पिज्जा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा कि आपका पिज्जा कैसा बना और घर में लोगों ने आपकी तारीफें कैसे करी।